कह रहा है कि यहाँ पर 52 मौतें हो गई हैं, जबकि आरएमएल का दिल्ली बुलेटिन में आंकड़ा कुछ और है। इसके अलावा लेडी हार्डिंग जो अस्पताल है वो कह रहा है 3 मौतें हो गई है, लेकिन 0 आंकड़ा दिखा रहा है दिल्ली का बुलेटिन। इसके अलावा जो आपका एम्स अस्पताल है वो कह रहा है 14 मौतें हो गई है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम आंकड़ा दिखाया जा रहा है। इसके पीछे मकसद क्या है, सरकार को क्या जानकारी नहीं? नहीं नहीं, बता देता हूँ आपको, कल भी मैंने बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एम्स का तो शायद झज्जर वाला इशू है कि वो झज्जर दिल्ली के अंदर नहीं आता है, वो इशू हो सकता है। बाकी हॉस्पिटल्स को देखो, उन्होंने कई हॉस्पिटल्स ने बोला कि हमारे यहाँ 4 डेथ हुई हैं, डेथ समरी नहीं भेजी। आप हमसे पूछेंगे ना कि किसकी डेथ हुई थी भाई, उसका एज क्या थी, आदमी था, औरत थी, क्या था क्या नहीं था, उसके बारे में डिटेल तो देनी पड़ेगी। उसके लिए सबको डेथ समरी देना जरूरी है। और कल हमने DDMA एक्ट के अंदर सभी हॉस्पिटल्स को सख्त आदेश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर कोई भी डेथ होती है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो कोविड से रिलेटेड उनको शक है, तो उसको दिल्ली सरकार के पास विद डेथ समरी और पूरे डिटेल्स के साथ वो उसी दिन मतलब 5 बजे तक 24 घंटे के अंदर उसको अपलोड करेंगे, ताकि उसके ऊपर जल्द से जल्द बताया जा सके। ये आपने नए आदेश जारी किए हैं कि 24 घंटे के अंदर? नहीं, मतलब वो बता रहे थे परंतु उसमें डिटेल नहीं दे रहे थे। अब डिटेल नहीं है तो उसको तब तक डिक्लेयर नहीं किया सकता। ये जिससे मैटर ऑफ के 2-4 दिन आगे पीछे वाली बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि देखो दिल्ली शहर के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि डेथ होने के बाद, डेथ तो सबको पता है ना, डेथ हुई है, घर वालों को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो क्या डॉक्टर का पैनल इसको वेरीफाई भी करता है, जांच करता है? इसके लिए डेथ कमेटी होती है सभी राज्यों में होती है, वो चेक करती है कि भाई ये इसके पैरामीटर्स जो थे ठीक हैं, और इसके साथ पेपर साथ में लगाए गए नहीं लगाए गए हैं। डेथ समरी तो बनाएंगे ना कम से कम, अगर डेथ समरी नहीं है तो पता कैसे लगेगा? लेकिन हॉस्पिटल कह रहे हैं कि जानकारी दिल्ली सरकार को दी गई है, कितनी मौतें हो गई हैं? नहीं, उससे नहीं बात बनती ना, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ। आप कह दीजिएगा मेरे यहाँ 100 मौतें हुई, अब 100 मौतें हुई हॉस्पिटल जैसे है, एक हॉस्पिटल किसका भी नाम ले लीजिए आप, उसी पीरियड में पिछले साल कितनी मौतें हुई थी, अगर आप देखेंगे उस महीने के अंदर, हो सकता है उसके अंदर उससे भी ज्यादा मौत हुई है, उसके बराबर मौत हुई हो, तो उनको लिख के देना पड़ेगा ना कि कोविड से मौत हुई है, इसके ये पैरामीटर्स थे, ये डिटेल्स थी, इसका नाम था, इसका आदमी है, औरत है, एज क्या है, हार्ट फेल्योर हुआ नहीं हुआ, तो डेथ समरी में जो चीजें आती होती है। There is close cooperation, exchange of information, plus, as I said, collaboration. There are at least 3 vaccines on which Indian companies and the United States companies are working together. Besides that, we are an important part of the supply chain. And this particular crisis has certainly shown to United States, if not the world over, that India is a reliable partner. Whatever assistance they required in terms of the supply chain, India has been able to fulfill that, and this has been acknowledged by the highest level in the US government, but also at the people level. We talk about the supply chain, talking a little differently about it. Post-COVID-19, there has been a shift of supply chain from China to other players in the region, be it India, be it Vietnam. What are you picking up from the United States? Are companies looking at India, and do you think this is a big opportunity for India now? Look, one, that this is a huge challenge world over. Economically, I mean, besides health, economically too. All that. But in challenges also come out opportunities. As I mentioned to you, that this particular challenge for United States and India, the way that we have stood together, and as you have mentioned in supply chain and especially in the economic aspects and in the health science, definitely have provided an opportunity for both the Indian companies and the US companies to look forward to developing a stronger bond. Now, irrespective of China, India is an attractive destination, and certainly all the studies in post-COVID time, of course, it's a little early, but yet in the post-COVID time, India is going to be a significant part of the recovery process. And I think the American investors are smart, the American companies are smart, and they are moving to connect. And already at the company level, it's being done. But you are also reading and watching that at the government of India level.